मॉर्निंग स्टूडेंट्स मारामूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे और आप सभी को बता दूं कि ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है इस इस एक्सरसाइज से हर बार पिछले दस साल के पंद्रह साल के पेपर उठा करके देखोगे तो हर बार एटलीस्ट क्वेश्चन तो आता ही आता है कम से कम एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से हर बार आता है वो फोर मार्क्स का भी हो सकता है वो सिक्स मार्क्स का भी हो सकता है सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें डिटर्मिनेट की कुछ प्रॉपर्टीज करनी होती है वो प्रॉपर्टीज क्या है वो आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं समझ आएगी तब तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप नहीं सोल्व कर पाओगे तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज इफ इट्स रो आर चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो उसने कहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर रो को कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना दे फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट है टू थ्री वन फोर तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है फोर टू जै एट माइनस थ्री यानी कितनी आई है फाइव आई है अब मैंने क्या किया ये ए था सपोज करो ए का डिटर्मिनेंट था अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स अब इसका इसको रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में यानी टू थ्री का जो रो थी इसको कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया अब स्टूडेंट यानी ये क्या हुआ मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को सेकंड कॉलम यानी ये इसका ट्रांसपोज हो गया जो ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज और उसका डिटर्मिनेंट तो अगर मैं सभी रो को कॉलम बना दूं और कॉलम को रो बना दूं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी अनचेंज ये देखिए टू फोर डा एट माइनस थ्री अगेन द आंसर इज फाइव इट मीन्स ये हुआ कि जो डिटर्मिनेंट ए है वो किसके इक्वल होता है ए के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है ये दोनों इक्वल होते हैं दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी से इज चेंज उसने कहा है अगर कोई दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सपोज मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है वन टू थ्री टू फोर वन वन थ्री वन तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ स्टूडेंट इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वन इंटू फोर माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे ही करते हैं एक्सपेंड फोर माइनस थ्री फिर इसके साथ माइनस का टू इंटू फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ तो टू माइनस वन फिर प्लस का थ्री इंटू अब इसको छोड़ोगे इसको छोड़ोगे टू थ्री जा सिक्स माइनस फोर तो ये आंसर आएगा हमारे फोर माइनस थ्री वन माइनस टू माइनस वन वन माइनस टू माइनस टू सिक्स माइनस फोर टू टू थ्री जा सिक्स तो सिक्स प्लस वन सेवन माइनस टू ये फाइव आया आंसर अगर अब मैंने क्या किया कोई दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करता हूं चाहे तो आप किसी भी दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करना है सपोज पहली रो को दूसरी बनाओ या दूसरी को पहली या पहली को दूसरी को तीसरी बनाओ तीसरी को दूसरी या पहली को दूसरी पहले कॉलम को दूसरा कॉलम दूसरे को पहला या दूसरे को तीसरा तीसरे को दूसरा कोई भी दो कॉलम को या दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर माइनस का फर्क पड़ेगा देखिए मैं करता हूँ सेकेंड रो को थर्ड में चेंज करता हूँ सपोज सेकेंड रो को थर्ड में यानी मैंने क्या किया आर टू इंटरचेंज इंटरचेंज का साइन स्टूडेंट ये होता है आर टू इंटरचेंज आर थ्री यानी आर टू की जगह आर थ्री लिख दी और आर थ्री आर टू लिख दी तो क्या आएगा में कोई नहीं किया टू फोर वन अब इसको एक्सपेंड करता हूँ स्टूडेंट्स तो प्लस का वन इन टू थ्री माइनस फोर फिर माइनस का टू इन अब इसको छोड़ोगे इसको छोड़ोगे वन माइनस टू और फिर प्लस का थ्री इन इसको छोड़ो फोर माइनस सिक्स तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स थ्री माइनस फोर माइनस वन वन माइनस टू माइनस वन माइनस और माइनस प्लस का टू हो जाएगा ये प्लस फोर माइनस टू फोर माइनस सिक्स माइनस टू माइनस टू थ्री जा सिक्स माइनस का सिक्स तो ये माइनस का सेवन प्लस का टू ये माइनस का फाइव आयानी ये प्लस का फाइव था ये माइनस का फाइव आया तो यानी दो रो को या दो कॉलम को किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में माइनस का फर्क पड़ जाएगा अगर वो माइनस फाइव है तो प्लस फाइव आ जाएगा अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगी तो ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी अब थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं स्टूडेंट्स उसने कहा है इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आएगी जीरो कोई भी दो रो या दो कॉलम को एक जैसे लेते हैं सपोज ये डेल्टा डिटरमिनेंट है वन फाइव सिक्स टू थ्री वन वन फाइव सिक्स तो हमने देखा यहाँ पे पहली रो और थर्ड रो एक जैसी है तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी स्टूडेंट्स आप एक्सपेंड करके देखिए वन प्लस का वन इंटू थ्री सिक्स जा एटीन माइनस का फाइव इसको छोड़ो इसको छोड़ो टू सिक्स माइनस वन प्लस इन टू इसको छोड़ो ग्यारह पचपन और दस माइनस तीन सात सात छिक बयालीस अब देखिए बयालीस प्लस तेरह पचपन माइनस पचपन आंसर जीरो यहां से थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम एक जैसे है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है जीरो है दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है इफ वी ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय सम स्केलर सम स्केलर और सम कॉन्स्टेंट कह सकते हैं हम देन दैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज के टाइम दैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी उसी स्केलर के टाइम्स आ जाएगी मीन्स यानी कोई भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कॉन्स्टेंट कोई भी के है तो जब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी जब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे तो वो भी के टाइम्स आ जाएगी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है वन टू थ्री टू फोर सिक्स या फिर मैं टू इंटू टू क्रोस टू का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेंट तो इसकी वैल्यू कितनी आई है ये सपोज यहाँ पे थ्री है one, three, two, four. इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास फोर माइनस टू थ्री जहा सिक्स या आई माइनस टू अब मैंने क्या किया आर वन को किस से मल्टीप्लाई कर दिया थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया थ्री आर वन यानी आर वन की जगह क्या कर दिया थ्री आर वन उसने क्या कहा है अगर हम प्रत्येक अगर प्रत्येक एलिमेंट को इन्हें रो और कॉलम किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जब हम डिटर्मिनेट की ओरिजिनल वैल्यू को देखेंगे जब डिटर्मिनेट की वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल वैल्यू से उतने ही टाइम आ जाएगी जिससे मल्टीप्लाई किया मान लो के से मल्टीप्लाई तो के टाइम आ जाएगी अगर दो से मल्टीप्लाई किया तो दो टू टाइम्स आ जाएगी अगर तीन से मल्टीप्लाई किया तो थ्री टाइम्स आ जाएगी जैसे मैंने अब ये डिटर्मिनेंट था इसकी वैल्यू माइनस टू आई अब मैंने आर वन के प्रत्येक एलिमेंट को तीन से मल्टीप्लाई किया अब प्रॉपर्टी लगती कैसे स्टूडेंट्स यानी आर वन की जगह क्या लिखना है आर वन की जगह लिखना है थ्री आर वन तो क्या आएगा थ्री और इसको तीन से मल्टीप्लाई किया थ्री थ्री जहां नाइन ये टू फोर आर टू ऐसे कैसे अब इसकी वैल्यू कितनी आई है थ्री फोर जा ट माइनस नाइन टू जहां एटीन तो ये कितनी आई है स्टूडेंट माइनस सिक्स तो यानी ये जो माइनस सिक्स है ये कितना टाइम्स है जो पहले ओरिजिनल वैल्यू से कितना टाइम्स है थ्री टाइम्स है यानी ये आई है यानी थ्री इंटू ओरिजिनल वैल्यू यानी थ्री टाइम्स आई है ओरिजिनल यानी जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया था उसी के उतने ही टाइम्स आई है ओरिजिनल वैल्यू के मीन्स अगर हम किसी डिटर्मिनेंट को किसी स्केल किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो को या किसी कॉलम को किसी स्केलर से यानी किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी उतने ही टाइम हो जाएगी या यानी अगर हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सेम रखना है तो उसी कॉन्स्टेंट से हमने हमें डिवाइड करना पड़ेगा यानी डिवाइड करेंगे अगर हम इसको से तीन से यानी मल्टीप्लाई किया है तो मुझे बाहर तीन से डिवाइड करना पड़ेगा तब ही मेरे पास वो ओरिजिनल वैल्यू आएगी मीन्स अगर मैंने तीन से डिवाइड कर दिया दे, देखिए बाहर तो मेरे पास थ्री टू या सिक्स अगेन ये माइनस टू आ गई ना तो यानी हमारे पास क्या आई ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो को या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा तब ही हमारा जो आंसर है वो सेम रहेगा स्टूडेंट्स फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म्स डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज समू और कहा है अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो में या कोलम में यानी किसी रो के या किसी कोलम के प्रत्येक एलिमेंट किस तरह से एक्सप्रेस है सम ऑफ टू और मोर टर्म के साथ एक्सप्रेस है मोर डिटर्मिनेंट the तो डिटर्मिनेंट को भी दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट की सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जैसे मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है ए वन ए प्लस बी या ए वन प्लस बी वन ए टू प्लस बी टू ए थ्री प्लस बी थ्री यहाँ पे सी वन सी टू सी थ्री यहाँ पे डी वन डी टू डी थ्री अब मैंने देखा पहले कॉलम में जो प्रत्येक टर्म है दो टर्म्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस है यानी फर्स्ट कॉलम का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो टू टर्म्स की सम की फॉर्म में है तो इस डिटर्मिनेंट को फिर हम किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स यानी फर्स्ट जो कॉलम है उसको हम बाइफ्रिकेट करेंगे किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स ए वन ए टू ए थ्री के साथ सेकेंड और थर्ड कॉलम सी वन सी टू सी थ्री डी वन डी टू डी थ्री प्लस का साइन बी वन बी टू बी थ्री के साथ बी वन बी टू बी थ्री के साथ सेकेंड और थर्ड कॉलम सी वन सी टू सी थ्री डी वन डी टू डी थ्री तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करेंगे सपोज स्टूडेंट यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है कहीं पे यहाँ पे माइनस आ गया यहाँ पे तो भी यहाँ पे माइनस लिख दें यहाँ पे लेकिन यहाँ पे प्लस रहेगा अब सिक्स प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स ये मेन प्रॉपर्टी है ज्यादातर हम इस प्रॉपर्टी का इस एक्सरसाइज में यूज करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को आपने ध्यान से समझना है उसने कहा है वैल्यू ऑफ ए अनचेंज इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम भी एडिड और सब्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं हम एडिड और सबस्ट्रैक्ट एडिड और सब्ट्रैक्ट बा सम मल्टीपल के ऑफ दी कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, उसने कहा है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज रहती है यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ता कब नहीं फर्क पड़ता अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी कॉलम के या किसी रो के प्रत्येक एलिमेंट को किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके यानी किसी कॉन्स्टेंट के से मल्टीप्लाई करके किसी अदर कॉलम में और अदर रो में अगर हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज स्टूडेंट मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है टू वन थ्री सिक्स ये है मेरे पास डिटर इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास टू सिक्स ट्वेल्व माइनस थ्री यानी नाइन अब उसने क्या कहा है उसने कहा है अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो को या किसी कॉलम को किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी रो में या कॉलम में ऐड या, या करते हैं तो वैल्यू ऑफ विल बी सपोज स्टूडेंट्स मैंने क्या किया आर वन में R2 को तीन से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं सपोज आर टू आर वन में क्या करता हूं स्टूडेंट्स मैं आर वन में प्रॉपर्टी लगाता हूं प्रॉपर्टी ऐसे लगते है स्टूडेंट्स यानी आर वन की जगह क्या लिखेंगे आर वन में ऐड करेंगे किसको दो से मल्टीप्लाई करके आर टू को अब दो से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो को ऐड कर रहे हैं मैम फर्स्ट रो में तो अब मुझे दो से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने, क्योंकि मैं किसी अदर रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अदर रो में ऐड या करूं तो तब कोई फर्क नहीं पड़ता अब देखिए मैंने दो से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं तो आर में कैसे लिखा जाएगा डिटरमिनेंट यानी फर्स्ट डिटर रो में हम क्या कर रहे हैं सेकंड रो को दो से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो थ्री टू जा सिक्स प्लस टू एट हो जाएगी फिर वन में क्या ऐड होगा दो से मल्टीप्लाई करके इसको दो से मल्टीप्लाई करो बारह बारह और एक तेरह तो फर्स्ट रो ये बन गई सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं किया हमने तो अब देखिए डिटर्मिनेट की वैल्यू वही आएगी हमारे पास एट सिक्स माइनस नाइन तो ये आंसर कितना आया नाइन अब मैंने कहा चाहे ऐड करे या सबस्ट्रेड करे कोई फर्क नहीं पड़ता सपोज मैं माइनस भी करता हूँ सपोज ऐसे करता हूँ आर वन की जगह आर वन माइनस करता हूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स देखिए में दो से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है यानी आर टू को दो आर वन आर वन क्या टू और वन और इसमें से माइनस करना है किसको दो से मल्टीप्लाई करके आर टू को आर टू ये है इसको दो से मल्टीप्लाई करते हैं छू ट्व और, और यहाँ पे आर टू है स्टूडेंट टू माइनस सिक्स माइनस फोर थ्री माइनस इलेवन सिक्स अब भी आंसर वही रहेगा माइनस इसकी एक्सपेंड uh, करो स्टूडेंट्स माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ग्यारह तैतीस माइनस माइनस प्लस का तैतीस तो आंसर कितना आया अगेन नाइन तो यहां से क्या पता चला स्टूडेंट्स आपको यानी अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो में या कॉलम में किसी अन्य डिटर्मिनेंट की रो को या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मुझे उसी नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने दो से मल्टीप्लाई करके दूसरी पहली रो में ऐड किया है तो मुझे दो से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स ध्यान रहे कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं में अगर मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं ना आर वन में सपोज करो ऐड कर रहा हूं तो आर वन को नहीं मल्टीप्लाई कर सकता आर वन में अगर किसी रो को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं ना आर वन में किसी अन्य रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूं अगर R2 में प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो R2 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता लेकिन R2 में किसी अन्य रो को मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूं या माइनस भी कर सकता हूं स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लाई चाहे दो से करें तीन से करें चार से करें लेकिन ये नहीं हो सकता ऐसे नहीं लग सकती हमारे पास प्रॉपर्टी जैसे ये ऐसे नहीं लग सकती जैसे R1 में प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो यानी R1 को दो से मल्टीप्लाई किया दो आर वन प्लस आर ऐसे कभी भी नहीं लग सकती अगर आर वन में प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो आर वन को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं ऐसे नहीं कर सकता आर टू में प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो आर टू को तीन से मल्टीप्लाई किया ऐसे तो कर सकता हूं। और आर टू को तीन से मल्टीप्लाई किया और उसमें आर वन एड कर दू ऐसे नहीं हो सकता यस ऐसे हो सकता है आर टू में इसको तीन से मल्टीप्लाई इसको चार से मल्टीप्लाई करके एड याबस्ट्रैक्ट में कर सकता हूँ स्टूडेंट्स ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जरूरी प्रॉपर्टी 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 है आग, students, है अब स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आठवीं आपके पास सेवंथ दिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्केर मैट्रिक ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट उसने कहा है दो स्केयर मैट्रिक्स है जिनका सेम ऑर्डर है उनका अगर मैं डिटर्मिनेंट करूं उनकी प्रोडक्ट का अगर मैं डिटर्मिनेंट करूं तो वो किसके इक्वल होगा उनकी अलग अलग से मैं प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करता हूं उनकी अलग अलग का डिटर्मिनेंट लेके अगर उनकी प्रोडक्ट करता हूं तो वो इसके इक्वल होगा जैसे सपोज करो मुझे ए और बी सेम ऑर्डर की हमारे पास सेम ऑर्डर की क्या है स्केयर मैट्रिक्स है यानी टू ऑर्डर की भी हो सकती है थ्री यानी टू क्रॉस टू की भी हो सकती है थ्री क्रॉस थ्री की भी हो सकती है सेम ऑर्डर की है अब मैं क्या करता हूँ अगर उन दोनों की मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई कर लू पहले और उसका डिटर्मिनेंट करू वो किसके होगा अलग अलग से दोनों का डिटर्मिनेंट करके अगर मैं मल्टीप्लाई करूं वो इसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स ये थी आपकी सेवन प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी क्या थी पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास अगर हम डिटर्मिनेंट की सभी रो को कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना दे जैसे टू थ्री का फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो का सेकेंड कोलम तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं सेकेंड अगर हम कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इंटरचेंज मीन पहली की जगह दूसरी दूसरी की जगह पहली कर दें तो माइनस का फर्क पड़ जाता है तीसरी क्या है अगर कोई दो रो या दो कॉलम एक जैसे हैं तो उसकी वैल्यू जीरो चौथी तो क्या है हमारे पास अगर किसी डिटर्मिनेंट को किसी रो किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो को या कॉलम को, को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं मान लो तो तीन से चार से पांच से किसी रो को मल्टीप्लाई किया तो उसी से डिवाइड करना पड़ेगा लेकिन कब नहीं डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी में और छठी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है छठी प्रॉपर्टी में अगर मैं किसी रो को मल्टीप्लाई करके अन्य रो में ऐड करता हूं तो मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं जैसे R2 को दो से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है या माइनस किया है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर मैं सिर्फ डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिर्फ मैं जैसे R1 को सिर्फ तीन से मल्टीप्लाई किया तो जो है उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा तभी आंसर हमारा सेम रहेगा पांचवी प्रॉपर्टी ये है हमारे पास अगर किसी डिटर्मिनेंट में को, को, कोई एक रो या एक कॉलम दो टर्म्स का सम या डिफरेंस है तो हम उसको इस वे से लिख सकते हैं और सातवी प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई है स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको ये सभी प्रॉपर्टी समझ आई है तो अब इन्ही प्रॉपर्टी के आधार पर हम सम देखते हैं एक एर्थ प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी सपोज जैसे मेरे पास जीरो 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 फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट जीरो है तो इसको एक्सपेंड करें तो इसका आंसर आएगा जीरो तो हम डायरेक्ट जीरो आंसर लिख सकते हैं अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले आपको टेंथ क्लास के दो फार्मूला जरूर आने चाहिए कौन कौन से हैं फर्स्ट है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का हमारे पास फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी और सेकंड है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्क्र प्लस ए बी तो आपको ये दो फार्मूला जरूर आने चाहिए स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये यूज होंगे स्टूडेंट्स अब इस एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप पिक ले सकते हो आप पोज करके ये एक्सरसाइज है ये सेकंड पेज है स्टूडेंट्स ये थर्ड पेज है आप देखिए देखिए यहाँ पे सीबीएसई में हर बार आते हैं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये ये फोर्थ पेज है स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज की वीडियो कम से कम पांच वीडियो तो कम से कम बनेगी तो आप आपको सिर्फ इसका सीक्रेट समझना है हमें करना क्या है स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग देखिए उसने कहा है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ दी दिटर्मी उसने कहा है बिना एक्सपेंड किए एक तो हम एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू निकालते हैं है, हमें इन डिटेमेंट की वैल्यू को जीरो दिखाना है आपने बिना एक्सपेंड किए तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है वो देखते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज का फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट है हमारे पास डिटर्मिनेट है वन फोर्टी एट ट्रिपल वन थर्टी सेवन फोर थ्री वन ट्वेंटी थ्री सेवनटीन वन जीरो वन अब देखिए स्टूडेंट ये डिटर्मिनेट है बिना एक्सपेंड की हमें इसको जीरो दिखाना है अब मुझे ये पता है कि किसी भी डिटर्मिनेट में अगर किसी एक रो में या एक कोलम में कोई कॉमन है कुछ कॉमन है हमारे पास कोई नंबर कॉमन है तो हम उसमें से वो ले सकते हैं अब यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट थर्टी सेवन की टेबल में आते हैं सभी तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से हम थर्टी सेवन को कॉमन लेते हैं टेक थर्टी सेवन कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम पहले कॉलम से थर्टी सेवन को कॉमन लेते हैं हम लोग तो थर्टी सेवन बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्टी सेवन फोर जा मैंने आपको बताई थी थी तो क्या थी? अगर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है यानी एक जैसे हैं तो उसकी वैल्यू जीरो तो यहां पे सी वन इज आइडेंटिकल टू सी टू क्योंकि पहला कॉलम दूसरे कॉलम के आइडेंटिकल है तो आप लिखोगे सी वन इज आइडेंटिकल ये आइडेंटिकल का साइन है C2 तो इस वैल्यू क्या आएगी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो तो हमने फर्स्ट कॉलम को जीरो के इक्वल प्रूव कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग सेकंड हमारे पास क्या है टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट सिक्स एक्स नाइन एक्स ट्वेल्व एक्स स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए थ्री एक्स कॉमन है यहाँ से थर्ड रो से तो टेक थ्री एक्स कॉमन फ्रॉम लेट दिस इज डेल्टा कॉमन फ्रॉम आर थ्री यानी थर्ड रो थर्ड रो से थ्री एक्स कॉमन लेंगे तो थ्री एक्स बाहर तो अंदर क्या आ जाएगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट थ्री एक्स जब बाहर ले लिया स्टूडेंट थ्री टू सिक्स थ्री थ्री जा नाइन थ्री फोर जा ट आपने देखा आर वन इज आइडेंटिकल टू आर थ्री आर वन इज आइडेंटिकल टू आर थ्री सो इट्स वैल्यू इज जीरो वैल्यू क्या स्टूडेंट्स जीरो थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास टू डेल्टा डेल्टा उसको हम डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं टू, टू 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 ए बी सी ए बी सी बी सी ए सी ए बी तो यहां से देखिए टू कॉमन है और यहाँ से ए बी सी कॉमन है तो हम टू कॉमन ले यहां से ले लेंगे टेक टू कॉमन फ्रॉम सी वन एंड ए बी सी फ्रॉम सी थ्री तो टू और ए बी सी बाहर आ गए हमारे पास बचा वन 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 ए बी सी और यहां से वन 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 अगेन यहां पे सी वन इज आइडेंटिकल टू सी थ्री इट्स वैल्यू इज जीरो देखते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन क्या है एक्स प्लस वाई जेड माइनस थ्री वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई माइनस थ्री अब देखिए स्टूडेंट्स मैं किसी डिटर्मिनेंट में किसी अन्य रो को ऐड या याब्रैक्ट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स मैंने सिक्स प्रॉपर्टी बताई थी आपको मैंने कहा था जो मैक्सिमम यूज होगी तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स स्टूडेंट में क्या कर दिया आर वन को आर वन में आर टू को ऐड कर दिया आर टू को ऐड कर सकता हूँ वन से मल्टीप्लाई करके मीन्स वही पड़ा तो यहाँ पे जब मैंने आर वन में आर टू को ऐड किया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन गया ये वाई प्लस जेड प्लस एक्स बन गया और ये जेड प्लस एक्स प्लस वाई बन गया और यहाँ जेड एक्स वाई और यहाँ माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री सो स्टूडेंट यहाँ से एक्स प्लस प्लस वाई कॉमन सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से कॉमन हो गया और यहाँ से माइनस थ्री कॉमन हो गया तो अंदर क्या बच गया स्टूडेंट वन 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 जेड एक्स वाई वन 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 अगेन यहाँ पे आर वन इज आइडेंटिकल टू आर थ्री आर वन इज आइडेंटिकल टू आर थ्री इट्स वैल्यू इज जीरो तो फिफ्थ प्रॉपर्टी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट इसका फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा आगे कोस अल्फा प्लस डेल्टा कोस बीटा प्लस डेल्टा कोस गामा प्लस डेल्टा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको एक्सपेंड करते हैं पहले इसको खोलते हैं तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा यहाँ पे कोस ए प्लस बी का फार्मूला कोस ए कोस बी कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा यहाँ पे कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा यहाँ पे कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा अब स्टूडेंट्स मैंने सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहा था किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो में या कॉलम में किसी अन्य रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड या याब कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यहाँ पे मैं इसमें C3 में C3 में क्या करूं मैं C3 में कोस अल्फा कोस डेल्टा है वहीं साइन अल्फा साइन डेल्टा है तो कोस अल्फा कोस डेल्टा कोस अल्फा ये रहा अगर मैं इसको कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दू सेकेंड कॉलम को और इसमें माइनस कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे तो मैंने क्या किया सी थ्री में क्या किया स्टूडेंट्स सी थ्री में प्लस कर दिया या सी थ्री में प्लस कर दिया इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करो ये साइन डेल्टा साइन अल्फा हो जाएगा प्लस करेंगे तो सी थ्री में प्लस कर दिया साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके किसको सी वन को और माइनस कर दिया इसको कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके सी टू को तो हम देखिए क्या आएगा हमारे पास ये देखिए आर वन ऐसे कैसी सी वन ऐसे कैसी साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स यहां पे जब देखेंगे हम लोग ये सी थ्री है कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा यहाँ पे कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा अब देखिए स्टूडेंट्स इसको साइन डेल्टा इसको जो प्रॉपर्टी है सी थ्री में यानी सी थ्री में क्या करना है एड साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके सी वन को यानी इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके ऐड करो जब इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह ऐड करेंगे और स्टूडेंट इसको माइनस करना है कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके तो माइनस करें कोस अल्फा कोस डेल्टा सी टू को माइनस करना है कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई माइनस कोस बीटा कोस डेल्टा और ये माइनस कोस गामा कोस डेल्टा स्टूडेंट्स यहां पे देखिए इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल ये सभी कैंसिल हो गए तो हमारे पास सी थ्री में क्या बच गया जीरो यानी साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा और ये जीरो 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 और मैंने आपको आठवीं प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो के या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो है तो उसके वैल्यू क्या आएगी जीरो तो ये सभी एलिमेंट जीरो है तो इसका आंसर कितना आया जीरो अब इसका सिक्स पार्ट करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट का सिक्स पार्ट क्या है हमारे पास जीरो ए माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस ए जीरो बी माइनस सी सी माइनस ए सी माइनस बी जीरो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हम क्या करें C1 में अगर मैं C1 वन माइनस सी कर दूं कुछ फर्क पड़ेगा लगा सकता हूं प्रॉपर्टी और एक बार में स्टूडेंट्स हम दो से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते जैसे C1 में लगा ली और मैं C2 में भी लगा सकता हूं C2 टू माइनस सी एक टाइम में हम दो रो या दो कॉलम से के ऊपर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं तीनों कॉलम पे या तीनों रो पे प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते अब देखिए C1 में क्या लिया C1 वन माइनस सी जब जीरो में से इसको माइनस करोगे तो ये A प्लस का हो जाएगा और माइनस का B और ये A माइनस बी में से जीरो माइनस करोगे तो A माइनस बी ए माइनस सी में से इसको माइनस करोगे तो ये C कैंसिल हो जाएगा तो A माइनस बी बच जाएगा और B माइनस ए में से इसको माइनस करोगे स्टूडेंट्स तो ये B माइनस सी बच जाएगा जब इसको माइनस करोगे ये भी बी माइनस सी और जब इसको माइनस करोगे तो बी माइनस सी और ये सी माइनस ए C माइनस बी और ये जीरो तो यहाँ से A माइनस बी कॉमन और यहाँ से B माइनस सी कॉमन तो अंदर क्या बच गया 1, 1, 1, 1, 1, C सो so C1 टू सी टू सो इस वैल्यू इज जीरो सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कमेंट करें और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट अवे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच